फोन हमारी जिंदगी की इतनी जरूरत बन गई है, हमें कुछ ढूंढना हो तो हमें गूगल याद आता है, हमें गाने सुनने हो तो गूगल याद आता है, कुछ भी करना हो, खाना बनाना हो या कुछ शॉपिंग करनी हो या मार्केट प्राइस देखने हो तो हमें सबसे पहले याद आता है गूगल। और ये गूगल, यूट्यूब या जितने भी गाने, जितने भी चीज़ें हम लोग देखते हैं, करते हैं, और वो करते हैं इंटरनेट से। जी हाँ, इंटरनेट से करते हैं। और ये इंटरनेट हर महीने हमें रिचार्ज करवाना पड़ता है, लेकिन दिल्ली सरकार ने सोचा है अपने 4-4.5 साल के शासन में जो उन्होंने वादे किए थे पूरे नहीं किए, लेकिन आप सरकार ने अपने प्रमुख चुनाव में वादे मुफ्त वाईफाई को धरातल पर उतारने की कवायद तेज कर दी है। सरकार प्रत्येक परिवार को हर माह 45 GB मुफ्त इंटरनेट डाटा की सुविधा उपलब्ध कराने का गंभीरता से विचार कर रही है। इसके लिए भारत सरकार निगम लिमिटेड BSNL ने प्रति घर 85 रुपये महीना में ये सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया है। लोक निर्माण विभाग PWD ने BSNL के इस प्रस्ताव को सरकार के पास मंजूरी के लिए भेज दी है। सूत्र बताते हैं कि इस पर आगे की कार्रवाई के लिए फाइल वित्त मंत्रालय विभाग के पास पहुंच गई है। अगर इसे लागू किया जाता है तो एक परिवार में अधिकतम 4 लोग इसका लाभ उठा सकेंगे। BSNL की दिल्ली में इंटरनेट की सुविधा देने में कोई अड़चन नहीं है, इसमें एक विपल हॉट स्पॉट पर सहमति बनती नजर नहीं आ रही है। लेकिन इसी बीच BSNL ने 85 रुपये प्रति घर 45 GB इंटरनेट डाटा की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव PWD को दिया। इसे लेकर लोक निर्माण मंत्री सत्येंद्र जैन, वरिष्ठ अधिकारियों और BSNL के प्रतिनिधियों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है और इस पर सहमति बनती नजर आ रही है। सरकार के निर्देश पर PWD BSNL के इस प्रस्ताव पर अध्ययन का काम पूरा कर लिया है। इसके बाद प्रस्ताव को विभाग के सचिव के पास भेजा जा रहा है और जल्द ही चालू हो सकती है 45 GB डाटा पर डे मिलने की मुफ्त योजना। बता दें कि जो पहले चरण में है वो 10 लाख घरों में मुफ्त वाईफाई मिलने का उम्मीद है। BSNL ने कम दरों पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा देने के लिए एक शर्त सरकार के सामने रख दी है कि इसके लिए उनको न्यूनतम 20 लाख घरों में इंटरनेट सुविधा लेने की शर्त जोड़ दी है। ऐसे में योजना के तहत पहले चरण के दिल्ली में 10 लाख घरों में मुफ्त वाईफाई की सुविधा दी जाएगी, दूसरे चरण में भी 10 लाख और घरों में ये सुविधा मिलेगी, इसके बाद तीसरे चरण में पूरी दिल्ली कवर की जाएगी। इसी के साथ सरकार को इस योजना को न्यूनतम 3 साल के लिए लागू करने की बाध्यता होगी। बीच में सरकार इस योजना से पीछे नहीं हट सकती, क्योंकि अधिकतर प्राइवेट कंपनी ने इतने पैर पसार रखे हैं। इसलिए BSNL ने भी यह दावा ठोक दिया है कि वो भी अच्छे से काम कर सकती है, लेकिन उनसे कंज्यूमर लगवाएं सही। दिल्ली वालों को मिल सकता है जल्दी वाईफाई फ्री 45 GB डाटा पर महीने। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।